आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1.7 है, क्यूए धनात्मक तथा क्यूबी ऋणात्मक है, अतः मध्य बिंदु ए पर क्यूए व क्यूबी दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से बी की ओर होगी, क्वेश्चन मार्क। नंबर बी है इसी में, मध्य बिंदु ओ पर रखे गए क्यू बराबर -1.5×10⁻⁹ कूलाम आवेश पर बल। देखिए ये आपका दिया गया है, दो आवेश है ए बिंदु और बी बिंदु पर, एक का आवेश क्यूए है और दूसरे का आवेश जो है क्यूबी है, ये दो बिंदु आवेश क्यूए और क्यूबी, ठीक है। इसका मध्य बिंदु जो है वो है, मध्य बिंदु से दूरी दिया हुआ है इधर 0.1 मीटर, इधर भी है 0.1 मीटर, ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू ए है और ये माइनस क्यू ए। अब जो है हमको जो है मध्य बिंदु पर क्यूए व क्यूबी दोनों के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो अगर मध्य बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दें तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, तो इसमें आकर्षण होगा तो ईबी की वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। तो गौर से देखेंगे ईए और ईबी दोनों की दिशा जो है एक ही डायरेक्शन में है, तब हम निकाल सकते हैं कि मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, ईए प्लस ईबी, ई बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस 1/4πε0 क्यूबी बटा के आर स्क्वायर। आर हमने इसलिए लिख दिया, आप चाहे तो ओएल भी लिख सकते हैं, दूरी समान था इसलिए लिख दिया हमने, ओए भी लिख सकते हैं और यहां पर आप चाहे तो ओबी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब दोनों का मान आप जानते हैं, इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा क्यू ए बटा के ओ ए स्क्वायर प्लस क्यू बी बटा के ओ बी स्क्वायर, ये हो गया। दोनों का आवेश समान है, 3×10⁻⁶ μC, ये 9×10⁻⁹, ये है आपका 3×10⁻⁶, 0.1 का वर्ग करेंगे तो 0.01, यहां भी 3×10⁻⁶, 0.1 का वर्ग करेंगे तो 0.01, 9×10⁻⁹, ये कॉमन ले लीजिए, 3×10⁻⁶ हो जाएगा 1/0.01 प्लस 1/0.01, तो 9×27×10³ जोड़ देंगे दोनों को, 0.01, 27×54×10³54×10³ और बटा में 0.01, ये दो को ऊपर आएंगे तो 5 हो जाएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4×10⁵⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो मध्य बिंदु पर ये आपके वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी ऊपर। साथ ही साथ नंबर बी मध्य बिंदु पर बल पूछ रहा है, क्यू बराबर दे रहा है आपका जो आवेश रखा गया है क्यू पर, अगर -1.5×10⁹ कूलाम है, -9 कूलाम है, तो वैद्युत बल ज्ञात कीजिए।
हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वैद्युत बल F बराबर Q नॉट E होता है, तो यहाँ Q लिख देंगे और E लिख देंगे। तो F बराबर Q का मान दिया ही है और E का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Q का मान 1.5 गुणे 10 पर ऋण 9 और E का मान 5.4 गुणे 10 के पावर 6 गुणा कर देंगे 15 × 4 = 60 को 0, 15 × 5 = 75 और 6 = 81 दो स्थान पर दशमलव गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, या F बराबर 8.1 गुणे 10 के पावर -3 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 8.1 गुणे 10 के घात -3 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे 1.8 इस लेसन का अंकित प्रश्न है। 1.8 लेसन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए 2.5 गुणे 10 के घात ऋण 7 कूलम तथा क्यू बी -2.5 गुणते 10 के घात 7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं 0, 0 -15 सेंटीमीटर तथा बी कोष में 0, 0 + 15 सेंटीमीटर पर उपस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, इसके लिए हम फिगर स्केच कर ले रहे हैं। ये हमारा आपका अक्ष है ये, और इसको बढ़ा लेते हैं। ये जो है वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। और जेड के विपरीत हम दो बिंदु ले लेते हैं, ए है और यहां पर क्या है, बी है। ठीक है, अब देखिए जो बिंदु दिया हुआ है, ए जो है वो 0, 0 - 15 सेंटीमीटर और ये जो है 0, 0 + 15 सेंटीमीटर ओ है। तो ए भी देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव हो सकता है, तो हम इसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं। 15 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है। अगर वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है तो हम पहले तो निकाय का कुल आवेश निकालेंगे। निकाय का कुल आवेश क्यू बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी, यानी जो दोनों आवेश आप देख रहे हैं क्यू ए और क्यू बी, या क्यू ए है यहां पर आवेश और यहां पर क्या है आपका क्यू बी है, दोनों आवेश मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो निकाय पर कुल आवेश निकालेंगे तो मान दिया हुआ है दोनों का, क्यू ए का भी दिया हुआ है और क्यू बी का भी दिया हुआ है। तो क्यू ए का है आवेश 2.5 गुणते 10 के पावर -7, ये माइनस दिया हुआ है 2.5 गुणे 10 के पावर -7, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जो निकाय पर कुल आवेश होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एक तो आपसे ये पूछ रहा था, दूसरा आपसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निकाय जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है, 2QL होता है। तो P बराबर Q का मान आप देख रहे हैं 2.5 गुणे 10 पर -7 और गुणते 2L का मान 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 पर -2 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 25 × 3 = 75, 750 या दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 पर 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा। तो P पर यह हो जाएगा 7.5 गुणते 10 पर -8। मात्रक आप जानते हैं कूलाम मीटर, सी और एम ऐसे लिखेंगे, सी एम सटा के लिखेंगे ऐसे तो ये सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे सी को बड़ा और एम को स्मॉल, तो ये आपको कूलाम मीटर को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए,
अगला अंकित प्रश्न है, वन पॉइंट टेन देखते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं। 1.10 लेसन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 करा, 4×10 के घात 9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई वैद्युत द्विध्रुव 5×10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। P बराबर दिया हुआ है, इसमें देखें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दिया है 4×10⁻¹⁹ कूलाम मीटर। इसके बाद जो है E दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर इसके बाद थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश। आपसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ रहा है, सूत्र आपने ड्राइव किया था कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। पी का मान 4×10⁻¹⁹, ई का मान 5×10⁴ और आगे क्या हो जाएगा साइन 30 अंश। टाउ बराबर 5×20⁻¹⁹ × −5×30 का मान 1/2, ये 10 हो जाएगा। टाउ बराबर 10×10⁵ या टाउ बराबर 1×10⁴ न्यूटन मीटर। ये देखिए तो ये आपका 1.10 हो गया। नेक्स्ट देख देते हैं 1.11। ये देखिए 1.11 में भी 2 पार्ट है। पहला है कि अगर ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3×10⁻¹⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, यानी Q बराबर −3×10⁻¹⁷ कूलाम से पाया गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं E बराबर 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। तो सबसे पहले पूछ रहा है अस्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, N बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र हम जानते हैं Q बराबर Ni होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी वैसे ऋण आवेश होता है, यहां माइनस दिखा लेंगे। तो आपका N निकालना है तो N बराबर Q/Ke, Q का मान 3×10⁻¹⁷ और E का मान 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। तो N बराबर 30/16×, ये ऊपर चला जाएगा तो 10^12 हो जाएगा। भाग कर देंगे N बराबर 1.875×10^12 या N बराबर संख्या जो है आपका पूर्णांक में होता है तो 2×10^12 लगभग में है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हमसे ये भी पूछ रहा है नंबर बी में क्या पॉलीथीन पर आवेश स्थानांतरित होगा, तो उत्तर होगा कि हाँ स्थानांतरित होगा। कितना स्थानांतरित होगा तो उसकी हमको गणना करना है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है 9×10⁻³¹³ kg। इसलिए स्थानांतरित हम द्रव्यमान निकालेंगे, स्थानांतरित द्रव्यमान कैपिटल M बराबर m n। स्मॉल m का मान 9×10⁻³¹ और n का मान 1.875×10^12। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.71
गुणे 10 के पावर 18 केजी आएगा, यानी इतना द्रव्यमान जो है क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो बस यहीं तक प्रिय छात्रों, फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि इससे ज्यादा वीडियो बनाने पर अपलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।